नमस्कार। प्रस्तुत है क्लास 8 स्पेशल एग्जाम 2023 के हल प्रश्न पत्र का यह पार्ट टू वीडियो। पार्ट वन वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेके प्रश्न संख्या 10 तक के प्रश्नों को हल किया था। अब पार्ट टू वीडियो में मैं प्रश्न संख्या 11 से लेके प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों को हल करने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, एक्स की 1/4 के वाई प्रतिशत का मान होगा। तो आइए इसे निकालते हैं। एक्स के 1/4 यानी एक्स बटा 4 का वाई प्रतिशत इसका टू एक्स बटा 4 एक्स बटा 4 का मतलब गुना वाई प्रतिशत वाई बाई 100। तो ये हो जाएगा एक्स वाई बटा 400। ये ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 12 है, एक्स का 40% बराबर 200, तो एक्स का मान होगा। तो आइए से भी हल करते हैं। या एक्स का 40% यानी एक्स गुना 40/100 बराबर 200 या एक्स बराबर 200 गुना, ये देखिए बराबर चिन्ह के जो बाई ओर है इसे हम दाहिनी ओर जब लाएंगे तो जो हर है ये 100 ये ऊपर आ जाएगा, अंश में आ जाएगा, गुना 100 या कहें कि गुना में आ जाएगा, और ये 40 गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0 और 0 कैंसिल हो गया, तो 4 से ये 5 बार में, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 500। ये ऑप्शन नंबर 3। ₹350 अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी ₹300 में उपलब्ध है, बट्टे की राशि क्या है? तो बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य हमारा 350 है और विक्रय मूल्य 300, तो बट्टा कितना आया? ₹50। बट्टा अर्थात छूट। तो ये ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक घड़ी का अंकित मूल्य ₹2,500 है, इस पर 10% बट्टा दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य होगा। तो सबसे पहले हम लोग बट्टा निकालते हैं। बट्टा वास्तविक बट्टा, ये तो प्रतिशत में दिया हुआ है ना, वास्तविक बट्टा निकाल रहे हैं। तो ये है ₹2,500 का 10%, तो ये हो जाएगा 2,500 गुना 10/100। तो ये शून्य कैंसिल हो गया, ये शून्य, तो ये बच गया ₹250। तो बट्टा तो हमारा निकल गया 250। तो विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा। तो अंकित मूल्य है 2,500, घटा देंगे इससे ₹250, तो ये हो जाएगा 2,250। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही आसान सवाल है। ₹200 की वस्तु को ₹300 में बेचने पर लाभ होगा। तो लाभ बराबर होता है
विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, और यहां विक्रय मूल्य है 300 और क्रय मूल्य है 200, तो ये लाभ कितना हो गया 100 रुपया। तो ये तो लाभ आया, अभी तो ये प्रतिशत में निकालना है, यहां पर सारा आंसर प्रतिशत में है। तो लाभ प्रतिशत बराबर ये होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, तो ये हो जाएगा लाभ कितना है 100 और क्रय मूल्य 200 गुना 100। तो ये शून्य काट दिए, इससे ये शून्य और ये शून्य कट गया, अब ये दो से ये 100 को काटेंगे तो 50, तो हमारा आंसर आ जाएगा 50%, ये दूसरा वाला। प्रश्न संख्या 16, चक्रवृद्धि ब्याज में निषेधन का सूत्र क्या है? ये पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न संख्या 17, चाल तथा दूरी में किस तरह का संबंध या अनुपात है? तो देखिए, चाल अगर समय को हम स्थिर रखते हैं, अगर हम समय को स्थिर रखते हैं तो जब चाल बढ़ाएंगे तो ज्यादा दूरी तय की जाएगी, और जब चाल घटाएंगे तो दूरी भी कम तय होगी। यहां एक बात ध्यान रखना है कि यहां हम समय को स्थिर रख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यह अनुपात क्या हो रहा है? सीधा अनुपात। प्रश्न संख्या 18, एक दर्जन अंडे का मूल्य 60 रुपया है तो 10 दर्जन अंडे का मूल्य क्या होगा? सीधा 60 को हम 10 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 600 रुपया, है ना? तो ये ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं? तो आप देखिए, त्रिभुज में कोणों की संख्या 3 होती है ना, ए बी सी, ए बी सी, या इधर से भी ए बी सी कर सकते थे, चलिए इधर से कर देते हैं। ए बी सी, तो यहां 3 कोण है और तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, है ना? तो न्यून कोण कितने हो सकते हैं? तीनों न्यून कोण हो सकते हैं, है ना? तो ये 3 है। प्रश्न संख्या 20, किसी समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण हो सकते हैं? तो देखिए, ये हम बना रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज है, तो ये 90 डिग्री का है, तो बाकी जो दो कोण बचा, ये इसका भी नाम दे देते हैं ए बी सी, तो कोण ए और कोण सी, इन दोनों का योग कितना होगा? 90 डिग्री, तो ये दोनों कोण न्यून कोण हो सकते हैं, और दोनों न्यून कोण ही होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि अब एक समकोण तो यहां है, इसलिए कितने न्यून कोण हो सकते हैं? ये ऑप्शन नंबर 2, 2। धन्यवाद।